हूं शिवांगी वाजपेयी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। जामिया इलाके में सीएनआरसी के खिलाफ मार्च से पहले फायरिंग से दहशत फैलाई गई है। वो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। फायरिंग करने वाला शख्स आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दिखा रहे किस तरह से जामिया इलाके में ये पिस्टल लहराते हुए युवक फायरिंग करते हुए नजर आया है कैमरे में कैद। और देखिए आसपास मीडिया कर्मी तो मौजूद है लेकिन पीछे आपको दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही होगी, वो भी वहां पर मूक दर्शक बनी खड़ी रही। और ये युवक वहां पर लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा और खुद को राम भक्त भी इसने बताया है। अवैस उस्मानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे अवैस का रुख कर सकते हैं। अवैस, इस युवक की पहचान हो गई है, गोपाल नाम इसने अपना अभी तक बताया है, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी? जी बिल्कुल, गोपाल नाम बताया जा रहा है इस शख्स का, और बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। और फिलहाल जांच पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है कि थोड़ी देर पहले उसने जो फेसबुक पोस्ट किए हैं वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह से उसने पोस्ट किया आज शाहीनबाग को आज़ादी मिल जाएगी, इस तरह के पोस्ट जो हैं उसने थोड़े से किए थे रैंडम टाइम पे, कुछ थोड़ी देर पे उसने 5 से 10 पोस्ट जो हैं वो फेसबुक पे किए। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही, क्योंकि पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ मौजूद था तो कैसे कोई शख्स जो है वो गन लेके वहाँ पहुँच गया। और फिर पुलिस खड़ी होकर देखती रही, जब पुलिस उसके पास आई तो उसने फायरिंग की है। यह भी नहीं कि पहले उसने फायरिंग कर दी और फिर उसके पास पुलिस आई हो, पहले जब जैसे वो पुलिस के पास पहुंचा है पुलिस उसके पास, वो खुद पुलिस के पास जा रहा था उल्टा चलता हुआ, और फिर पुलिस के पास जैसे लगा उसको कि पकड़ने वाली है, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले उसने एक फायरिंग किया जिसमें एक शहजाद नाम का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का लड़का बताया जा रहा है जामिया का, उसके हाथ में गोली लगी। फिलहाल खतरे से बाहर जो है वो बताया जा रहा, किसी भी तरह का खतरा उसको नहीं है, हाथ में गोली लगी, गोली को निकाल लिया। हिरासत में आजादी मिल जाएगी, आखिरकार किसके कहने पे कर रहा है, क्यों इसने फायरिंग की, क्यों दहशत फैलाई, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है और पुलिस इसके ऊपर जांच पड़ताल करिए, यही सवालात पुलिस के भी उससे होंगे, धीरे धीरे जानकारियां निकल करेंगी। अभी उसको लिया गया है और बताया जा रहा है कि जामिया के पास ही कोई थाना है, वहां ले गए हैं, शायद सरिता विहार थाने ले गए हैं उसको, वहां पे उससे पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। तो फिलहाल इस मामले में अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता है सुरेंद्र राजपूत, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते एक बार। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपने तस्वीर अभी तक देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन भारत समाचार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एक युवक जामिया के पास फायरिंग करता हुआ देखा जा रहा है, सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल गृह मंत्रालय पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल भाजपा की सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल एक आतंकी पर भी खड़े हो रहे हैं। आज की डेट में जिस तरीके से जो माहौल बना दिया गया है उसकी एक उन्मादी उपज का नतीजा है ये गोपाल नाम का युवक। आप देखिए, हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि देश को संविधान से चलाइए, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग करने लगते हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई भी आदमी देश के संविधान की बात नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में धार्मिक उन्माद हो रहा है उसका ये प्रतिफल है। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं सुरेंद्र जी, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? सुरेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है, वो पहले हम दर्शकों को दिखा दें, वापस आप पिस्टल लिया पिस्टल लिया पिस्टल लिया
पिस्टल लिया पिस्टल 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 सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपने भी शायद ये आवाजें सुनी होंगी, हम सुना रहे दर्शकों को लगातार किस तरह से कह रहा हाथ में पिस्टल ले आए, पिस्टल बताता हुआ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है, आपकी नजर से कौन जिम्मेदार हो सकता है? सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अवैस, उनका रुख कर लेते एक बार फिर से वापस चलेंगे सुरेंद्र जी के पास। अवैस, ये बताइए, ये जो युवक अपने आप को रामभक्त बता रहा है, दहशत फैला रहा है, आखिरकार पुलिस इतने करीब इसके खड़ी रही, इसको पकड़ा क्यों नहीं समय रहते, वहां पर दहशत क्यों फैलाता रहा ये? जी बिल्कुल, वीडियो अगर पूरा वीडियो देखें तो उसमें देखने पे ऐसा लग रहा है कि पहले पुलिस को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ हथियार हो सकता है, मगर जिस तरह से जब वो मीडिया वाले उसके बहुत ज़्यादा करीब थे, 5 से 10 कदम की दूरी पर थे और उनके सामने ही उन्होंने उस व्यक्ति ने गोली चला दी, और ये तो आप गरिमत मानिए कि किसी मीडिया पर्सन को गोली नहीं लगी, गोली पीछे एक लड़का खड़ा था उसको जाकर लगी, जिसको थोड़ी सी चोट लगी, मगर सवाल ये कि पुलिस शायद कहीं ना कहीं उस लड़के की पहचान करने में असफल रही कि उसके हाथ में गन है, क्योंकि जब वो पीछे जा रहा था लगातार मीडिया पर्सन भी उसको कह रहे हैं कि उसके हाथ में गन है, फिर पुलिस धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे आई और जैसे पुलिस पास पहुंची, जब उसको लगा कि अब पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसके बाद फिर उसने एक फायरिंग जो है वो की है। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने उसको फौरनी हिरासत में ले लिया और अभी जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ हो रही है, और जो जांच हमारे सामने आई है उसमें यही पता चल रहा है कि अभी तक जो जांच आई पता चल पाया वो यही है कि गोपाल नाम का व्यक्ति है जो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला, फिलहाल उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, बाएं हाथ में इंजरी हुआ है और उसको हॉस्पिटल में दाखिला किया गया था उस होली फैमिली में, अभी उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया था, वहाँ पे अभी उसका इलाज अभी हमने हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, डॉक्टर्स का कहना था कि आउट ऑफ डेंजर है और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया गया है उसको। और सर वो स्टूडेंट है क्या? उसका कहना है कि वो जैसे उसके अनुसार वो जामिया का स्टूडेंट बता रहा है। और सर इसके अलावा जितने गोली चलाई उसके बारे में? पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जामिया के पास ये फायरिंग की है एक दहशत गर्द ने, और लगातार वहां पर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश, पुलिस वहां पर खड़ी रही, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी है बताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद पुलिस को अंदाजा ही नहीं लग पाया कि कुछ ऐसा करने वाला है, इसके हाथ में पिस्टल भी है, तो पुलिस की भी बड़ी चूक है। तस्वीरें आपके सामने, अवैस हमारे साथ जुड़े हुए, अवैस एक बार फिर से रुक लेते हैं। अवैस, आप अपनी बात कंप्लीट करिए जो आप अभी बता रहे थे। जी बिल्कुल, वहाँ पे लगभग मैं खुद देखा मैंने कि 7 से 8 कैमरा पर्सन्स रिपोर्टर्स भी वहाँ पे मौजूद थे जो उसको लगातार फॉलो कर रहे थे जब वो पीछे जा रहा था, और ना हम लोग को अंदाजा था ना ही पुलिस को शायद अंदाजा लग पाया कि वो व्यक्ति जो इसके हाथ में गन है वो फायरिंग भी कर देगा। जैसे पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, फौरन ही उसने गन तानी और हवा में एक फायरिंग किया, जिसकी वजह से पीछे जो मीडिया के पीछे कोई लड़का खड़ा होता है, शादाब नाम बताया जा रहा है, जामिया का स्टूडेंट, उसके हाथ में खाली गोली लगी। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो क्या उसका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक था या नहीं ठीक था, हो सकता है मानसिक रूप से वो सही ना रहा हो, इस वजह से देश में आके उसने इस तरह का कदम उठाया। अवैस, देखिए मार्च से पहले फायरिंग की गई है, अवैस एक चीज ये बताइए, जब ये मार्च से पहले फायरिंग करता है तो वहां पर सिक्योरिटी तो पहले से थी, ये शख्स क्या उस मार्च में शामिल होने के लिए आया था, जो मार्च वहां पर निकलना था और वो मार्च खिलाफ था सीए के? जी बिल्कुल, सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो आज दिल्ली में कई जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें शाहीन बाग और जामिया के जो छात्र हैं और शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक मार्च का आह्वान किया था और ये कहा था कि जामिया से लेके राजघाट तक वो मार्च करने के लिए आएंगे। फिलहाल पुलिस ने उनको इस तरह की इजाजत सुबह में ही साफ कर दिया था कि मार्च की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है, और पुलिस ने इसीलिए वहां पे बैरिकेड लगे हुए थे और उनको रोक रहा था। बहुत शुक्रिया वैसे इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।
पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल हमारे साथ है बीजेपी नेता है मनीष शुक्ला जी, वो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर तस्वीरें आप ये देख पा रहे होंगे ना, किस तरह से वहां पर हालात है जामिया के पास, कैसे गोलीकांड हो जाता है। सर कहां से चूक हो रही है, किस तरह से लोग यहां पर पहुंच गए थे, दहशत फैला रहे जी। देखिए निश्चित रूप से गंभीर विषय है। हाँ। और जो गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जी। सर आपने वीडियो देखा है ना? जी बताइए। सर आपने वीडियो देखा है? इस वीडियो में ये जो शख्स है जो गोली चला रहा है, ये खुद को राम भक्त बता रहा है। ये राम भक्त बता के दहशत फैलाने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, कोई देखिए पहली बात तो जो इस तरह का कृत्य करते हैं लोग वो किसी के भक्त नहीं है, और जो देश के खिलाफ कोई बात हो वो किसी के भी भक्त नहीं हो सकते जी। और इस आधार पे किसी के ऊपर से कार्रवाई छोड़ी जा सकती है ना की जा सकती है कि कोई किसका भक्त। सर मनीष जी वहाँ पर सिक्योरिटी आपने, क्योंकि देखिए सी को लेकर एनआरसी को लेकर लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, शाहीन बाग तो देखिए तकरीबन डेढ़ महीना होने वाला है वहाँ पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और ऐसी तस्वीर आ गई, ऐसे में कैसा एक्शन उठाना चाहिए सरकार को? देखिए वहाँ के जो आम आदमी है वो त्रस्त हो चुके हैं, और प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से सड़क रोकी गई है तो निश्चित लोग परेशान है, और 15 लाख लोगों को रोज 6 से 7 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है, और संविधान की आड़ लेकर संविधान का माहौल लाया जा रहा है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए ऐसे हालात वहां पर जो बने हुए, इस पर हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोक लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए, अपनी बातों को सामने रखने के लिए। तस्वीरें आप दर्शकों के सामने हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जामिया इलाके में फायरिंग की जाती है, पुलिस उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है जो गोली चलाता है, लहराता है, और वहां पर खुद को राम भक्त बताने की कोशिश करता है और कहता है कि आज शाहीन बाग को आजादी मिल जाएगी। और अभी तक पुलिस इसके बारे में कई अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें देखकर पहचानिए इस दहशतगर्द को जो जामिया इलाके में पहुंचकर हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ गोली चलाने लग जाता है। सब शॉट लिए, गोली किसको मारी है? सब शॉट लो शॉट। कौन है, क्या नाम है? सर पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल। हम आपको दिखा रहे बार बार किस तरह से फायरिंग करता हुआ शख्स नजर आ रहा है तस्वीरों। तो हाथ में पिस्तौल, दहशत फैलाने की कोशिश, और हाथ पर हाथ रखे खड़ी रही वहां पर पुलिस, पीछे पुलिस है और आगे दहशतगर्द जो हाथ में पिस्तौल लेकर वहां पर लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश करता हुआ है। कौन है, क्या नाम है? सर पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल। सर शॉट लिए, गोली किसको मारी है? सर शॉट लो शॉट। कौन है, क्या नाम है? सर पिस्टल लिया पिस्टल पिस्टल लिया पिस्टल।
तीनों शॉट गोली किसको मारी है, गोली किसको मारी है, सर शॉट लो शॉट। कौन है, क्या नाम है सर? पिस्टल लिया, पिस्टल पिस्टल लिया, पिस्टल। तो जामिया में किस तरह से गोलीकांड करता हुआ इस शख्स आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है सीएनआरसी को लेकर, और उसी के बाद देखिए ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग को आज आजादी मिल जाएगी, वहां पर भय फैलाने की कोशिश की जाती है। और एक शख्स, एक युवक, एक छात्र हम कह सकते हैं, वो इसमें घायल भी हो गया है, उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया इसी गोलीकांड के चलते। और देखिए किस तरह से बेखौफ होकर ये युवक, और इसे हम युवक नहीं कह सकते, एक दहशतगर्द है जो वहां पर पहुंचकर लोगों के बीच भय पैदा करने की कोशिश करता है। और पुलिस वहां पर खड़ी रह जाती है, पुलिस खड़े होकर वहां पर सारा तमाशा देखती है, उसको बड़े ही प्यार से बाद में जाकर पकड़ती है। हालांकि अभी तक जो इस शख्स जो गोली चलाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसने अपना नाम गोपाल बताया है। अब इसके